हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या आप भी अपनी डिस्प्ले को अमन डिस्प्ले बनाना चाहते हैं? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो चूज किया है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अमन डिस्प्ले का फीचर हमारे मोबाइल में नहीं आता है, तो इस फीचर को हम किस प्रकार से अपने मोबाइल में ऐड करेंगे, तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं राहुल सनी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, जैसे कि आपको पता चल ही गया है। तो सिंपली हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी अमन डिस्प्ले फीचर को ऐड करने के लिए। तो वो एप्लीकेशन किस प्रकार डाउनलोड करेंगे? या तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली हमें प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें सर्च बॉक्स में सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेना है कोमेटीन। इस एप्लीकेशन का नाम है कोमेटीन, तो इसे सर्च कर लेना कोमेटीन। तो सिंपली हमने यहाँ पे कोमेटीन सर्च कर लिया। तो ये सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, सिंपली इसे हमें इंस्टॉल कर लेना है। तो हमने इसे इंस्टॉल पर लगा दिया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अभी इसे सिंपली यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो सिंपली इसे क्रॉस कर लेना है। ये हमने क्रॉस कर लिया। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोविज ऑल मॉडल्स, इस पर क्लिक कर लेना। यहाँ पे हमें इसके फीचर्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ऊपरी ऊपर फीचर है बैटरी, रोटेशन, अम्बाइन डिस्प्ले, एप लॉकर, बैटरी रोटेशन, कैफिन, इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सिंपली हमें इसको प्रयोग कर दे अम्बाइन डिस्प्ले को प्रयोग करके देखना है। तो सिंपली हमें इसे इंस्टॉल कर लेना है। ऐसे ये यहाँ पे आपको मैसेज आया है कि इंस्टॉल हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं अम्बाइन डिस्प्ले हमारी इंस्टॉल्ड हो चुकी है। तो इसे हमें सिंपली क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक रिम्यू का ऑप्शन दिखाई देगा और एक इनेबल का। तो हमें सिंपली इनेबल पर क्लिक कर लेना है। इनेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा। इसके बाद में हमें यहाँ पे ऊपर सेटिंग का जो है लोगो, उस पर क्लिक करना है। तो इसे कुछ परमिशंस देनी है हमें, यहाँ से हमें डिसेबल करना है और यहाँ पे एक बार इनेबल कर लेना है। यहाँ से इनेबल हो चुका है, मैं ऊपर नोटिफिकेशन आया हमारे पास। अभी यहाँ पर हमें हमारे पास एक वार्निंग आई है, हमें कुछ परमिशन देनी है। इसके लिए हमारे पास एक वार्निंग है, तो यहाँ पे ऊपरी ऊपर एक फिक्स ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर लेना। और अब यहाँ पे कर लेना ग्रेंट परमिशंस, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ परमिशंस देनी है। तो यहाँ पे इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ से बैक आएंगे, बैक आएंगे उसके बाद हमारे पास एक और परमिशन लेगा, यहाँ से हमें परमिशन दे देनी। इसे परमिशन देने के बाद बैक आ जाना। यहाँ से हमने एक परमिशन छोड़ दी है, तो हमें वापस देनी है। ये हमने परमिशन दे दी है, अभी इसे हमें ऑन कर लेना है। ये भी ऑन हो चुका है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऑन हो चुका है। अभी हमें करना क्या है, अभी यहाँ पे क्या है, ओपन डिज़ाइनर, इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से हमें डिज़ाइन जो सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से हमने कौन सी डिज़ाइन, मान लो हमने ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर ली। अभी ये डिज़ाइन सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे क्लॉक या डेट पर जाना है, और यहाँ पे हमें इसकी साइज़ वगैरह हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, वो सब यहाँ पे मिल जाएगा आपको स्टाइल्स में। अभी इसकी हमने साइज़ बढ़ा रही है, ये हमने इसकी साइज़ बढ़ा ली है, ये हमने अभी कम कर दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम
छोटा दिखाई दे रहा है हमें, ये और भी बड़ा हो गया अभी। इससे हम इसकी साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इससे नीचे डेट साइज, डेट की साइज़ भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डेट की साइज़ बड़ी हो चुकी है, अभी ये बड़ी हो चुकी है और यहाँ पे अभी छोटी हो गई है। यहाँ पे हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, डेट का और टाइम का। तो हम सबसे पहले टाइम का कलर चेंज कर दिया हमने, ये टाइम का कलर चेंज कर दिया। अभी हम डेट का कलर चेंज कर देंगे, ये हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे अगला ऑप्शन है हमारे पास, इसे सिंपली हमें छोड़ देना है। आगे जाने के बाद यहाँ पे हमें बैटरी शो करनी है फिर नहीं, तो हमें एक बार हम इसको शो करने का कर देते हैं। तो ये बैटरी को शो करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्क्रीन कुछ इस प्रकार बनेगी। यदि आप इनको अलग जगह पर सेट करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार गिरेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसको इसे नीचे की तरफ खींचना है। इसे खींचने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, एक कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा, एक मूव का। तो हमें मूव पर क्लिक करना है। अभी हमें इसे कहाँ पर सेट करना है वो हम इस प्रकार से सेट कर सकते हैं, ये हमने सेट कर लिया। अब यहाँ पे नीचे आपको एक डन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस डन पर क्लिक कर देना। डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेट हो जाएगा। अभी इसे हम वापस भी सेट कर सकते हैं उसी प्रकार से, यहाँ पर मूव पर क्लिक करके। मान लो इसे सेट करना हमें तो वो किस प्रकार करें, तो इसे सेट करने के लिए हमें यहाँ पे मूव पर क्लिक कर लेना और यहाँ पर जाना नीचे। यदि एक बार में ना हो तो आपको फिर से प्रैक्टिस करनी है, तो हो जाएगा। अभी इसको हमें चेंज करना है, इसकी साइज़ ये थोड़ा छोटा है इसलिए हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये भी हमें सिंपली मूव का ऑप्शन दे दिया। अभी इसे हमें यहाँ पे सेट कर लेना, ये हमने सेट कर दिया, ये भी ऑन हो चुका है। यहाँ पे हमें इन्हें अलाउ कर देना नोटिफिकेशन, ताकि हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाए। ये हमने कर दिया। अब हम इसे एक बार बंद कर लेंगे, चेक कर लेना। तो आपने देखा दोस्तों, हमने ये अंबाइन डिस्प्ले सेट कर दी। तो इस प्रकार से हम अंबाइन डिस्प्ले को सेट कर सकते हैं, और इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा फीचर भी है जिससे आप अपने मोबाइल को, कोई फ़ोन आ रहा है उसे आपको साइलेंट करना है, तो सिंपली आप उसे उल्टा करके कहीं पे रख देंगे तो वो साइलेंट हो जाएगा। तो उसका भी हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, फिलिप टू SHH। इस पर इसको हमें सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल हो रहा है, कुछ टाइम लगेगा इसमें। इसे इंस्टॉल करने के बाद में जिस प्रकार से हमने अंबाइन डिस्प्ले को किया था अलाउ वगैरह, तो इसे भी उसी प्रकार से कर लेंगे, तो ये फीचर भी हमारे फ़ोन में काम करने लगेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।